देखिए, मनोज बाबू एक आधिकारिक रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको अधिकार मिला है सब बात बोलने के लिए। कल भी उम्मीद में थे, आज भी उम्मीद में, आगे भी उम्मीद करेंगे। हम यहाँ पे आज हैं, कल वहाँ पे रहेंगे। परिस्थिति सब पर आता है, जब जैसा जो परिस्थिति आएगा उसका हम सामना करने के लिए। लोग सरकार में है, क्या लगता है रह पाएंगे सरकार में आने वाले समय तक? देखिए, हम लोग सरकार में रहें ना रहें, ये सबसे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को फर्क पड़ता है तब जब जनता का काम नहीं होता है। तब हम लोग चुनाव में गए थे, जनता से वादा किए थे, और वादा जब हम लोग को मौका मिला, थोड़ा दिन या ज़्यादा दिन, या मिलता रहेगा या मिलना बंद हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। मिलता रहेगा, मिल रहा है। हम लोग को जब जब मौका मिला है तब तक हम जनता के लिए काम किए हैं। जनता कल भी मेरे साथ था, आज ही मेरे साथ है, आगे भी। नीतीश जी पलटेंगे या रहेंगे साथ? देखिए, ये हमारे संबंध और हमारे विचार और हमारे अधिकार से बाहर की बात है। ये हमारे बड़े बड़े नेता लोग इसका फैसला करते हैं। मनोज बोल रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट करें जदयू। देखिए, मनोज बाबू एक आधिकारिक रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको अधिकार मिला है सब बात बोलने के लिए। हमें सब अधिकार मिला नहीं है, हमें सिर्फ कार्यकर्ता। सर, सरकार चलेगी आप लोग की? देखिए, कल भी उम्मीद में थे, आज भी उम्मीद में, आगे भी उम्मीद करेंगे। कहाँ जा रहा है नीतीश कुमार का मन डोल रहा है इन दिनों? देखिए, बताए तो हम यहाँ पे आज हैं, कल वहाँ पे रहेंगे। परिस्थिति सब पर आता है, जब जैसा जो परिस्थिति आएगा उसका हम सामना करने के लिए तैयार। फायदा देखकर क्या लगता है कि समय बदल रहे हैं? हम लोग फायदा के पीछे नहीं, आप लोग नहीं, आपके सहयोगी दल। हम लोग फायदा के पीछे नहीं रहते हैं, हम लोग अपना अपना कर्तव्य निभाने के पीछे रहते हैं। अगली जदयू जो आपकी सहयोगी दल है, हम अपने जिम्मेदारी लेंगे ना। सर, तेजस्वी यादव के कुर्सी का जो पर्चा था वो फाड़ करके फाड़ा गया है अशोक चौधरी जी की तरफ से, ये उस पर वो बैठ गए। देखिए, अभी तो हम यहाँ है नहीं, हम तो बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट से अभी लौट रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ जाने के बाद क्या परिस्थिति बनता हमारी पार्टी का, फिर आप लोग से मिलकर बात करेंगे। इस विषय पे हमको कुछ जानकारी ही नहीं है तो क्या बताएं? स्टिकर फाड़ना सही मानते हैं सर, अगर नाम का बोर्ड लगा हुआ है? इस विषय पे हमको जानकारी ही नहीं है तो हम क्या बताएं आपको? आप देख रहे हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य जी ने ट्वीट किया था और फिर वो हटा दिया कि समाजवादियों का हवा की तरह रुख विचारधारा बदलता है। देखिए, हवा पुरवैया चलता है, पछिया चलता है, तुरंगा चलता है, दक्षिणा चलता है, जब जैसा आवश्यकता पड़ता है वैसा चलता है। लेकिन आदमी अपने अपने विवेक से काम करता है, हर हवा को रुख देख करके अपने अपने काम करता है। ये नहीं है कि हवा जब बह गया तो उसमें आंधी के तरह उधी आ जाता है। हम लोग जमे हुए एक व्यक्ति हैं, हम लोग तार के पेड़ नहीं हैं, हम लोग बरगद के पेड़ की तरह हैं, जहाँ भी है वहाँ खंभे की तरह। लालू जी बचा पाएंगे सरकार को अगर स्थिति बनती है? क्योंकि बीजेपी तो दे रही है कि हम समझौते के लिए और रास्ते खुल गए हैं। देखिए, इस विषय पर हमारे अभिभावक हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, निर्णय जो लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। बचा पाएंगे सर, स्थिति ये लग रही है क्योंकि एक कहना हमारी बस की बात नहीं है, एक कहना तो हमारे जब आदेश मिलेगा हमारे आदरणीय